ये अभी शेयर मार्केट का पावर दिखाएंगे तुम लोग। फिलहाल का जो भी चल रहा है राइट, फिलहाल का स्टॉक है 37,100, है 35, ये 37 में नाउ इस वेरी एक्चुअली मार्केट ना टॉप साइड में जा रहा है। ये जो इधर वेरी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंट ब्रेकआउट हो गया ऑलरेडी। और अच्छा खासा यहाँ पे देखो प्राइस जो है, मतलब शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ये वाई में जाएंगे, वाई में कभी कभी 37,500, सॉरी यहाँ पे 37,000 का देखो कहीं ना कहीं वाई यहाँ पे बढ़ रहा है। इसका भी वाई बढ़ रहा है, इसका भी वाई बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या समझते? ये तो गिया ऑप्शन सेंड राइट। ऑप्शन सेंड अब शायद तो बाई भी कर सकता है इसी तरह से। बाई करना बोले तो मार्जिन ज़्यादा नहीं लगे था हमको, 150 क्वांटिटी में कितना 39,000 राइट, और 30 30 60,000 कैपिटल लगा था आज मेरा। यहाँ पे टेलीग्राम बाद में दिखाएंगे, कैंडल स्टिक में आएंगे। फिलहाल का अभी मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, जो 37,000 में ये भी ऊपर तक जाएगा, ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ये साइकोलॉजी, ये नीचे का जो देख रहा है ना, ये जो छोटा रेड कलर ग्रीन कलर, ये एक सपोर्ट एरिया है ठीक है। अब जब पीछे जाएंगे, पीछे देखो आगे वाला भी दिखाएंगे, यहाँ पे देखो और पीछे जाएंगे आप लोग को। ये सब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं फिर भी एक मतलब साइकोलॉजी दिमाग में थोड़ा रहे तो अच्छा रहता। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान दो ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया राइट, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, गैप अप खोला, कितना बड़ा देखो रेजिस्टेंस है। फिर आज का दिन क्या है, ये जो गैप अप मेरा टारगेट क्या है, ये जो गैप अप किया है राइट, मतलब ये गैप अप, ये जो सॉरी ये गैप अप PBS डे में तो ये फिलअप करेगा, मेरा टारगेट था, मगर उतना दूर नहीं गया आज तक। तो एक दिन में उतना दूर जाना बोले तो पॉसिबल नहीं है ये, आज नहीं तो कल गैप अप कंप्लीट कर देगा, हो सकता है कल कंप्लीट कर देगा गैप अप। इसीलिए मार्केट के देखो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ठीक है। अभी का फिलहाल का प्रॉफिट देखेगा, ये जो है ये सेम प्रॉफिट यहाँ से बना के मैं वहाँ पे बनाया 62,000 ठीक है। अभी लॉस हुआ तो भी बहुत बड़ा लॉस होता, मगर इसके लिए स्टॉप लॉस हमारा रहता। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा मैं बता रहा हूँ। तो कभी भी ट्रेड लिया, हम लोग ट्रेड लिए इस पोजीशन में, इस पोजीशन से मैं पहला एक ट्रेड लिया यहाँ से, तो यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया मैं, ये फर्स्ट ट्रेड चले गया। सेकंड ट्रेड में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस अच्छा खासा बैठ रहा था, तो मैं क्या करी, ये कैंडल का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से एंट्री, कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था ठीक है। फिलहाल मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, अभी और कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल का जो भी आप रियल में प्रॉफिट ना करके, मैं आप पेपर ट्रेडिंग तो कर सकता है, देखो कैपिटल ज़्यादा नहीं लगा, 70,000 का बाई करना से थोड़ा सोच के करना पड़ता, ऐसा नहीं आके बाई कर लो ठीक है। और मैं कॉल भी दिया, कभी 2-3 दिन से कॉल दिया, देखना है अभी 1 हफ्ता से कॉल दे रहा हूँ मैं। हाँ कॉल से नहीं देंगे, चेक कर लेना ठीक है। देखो आज का कितना तारीख है, आज का डेट 19 राइट, तो कहाँ से ये 18 ये 19 ये 19 देखो साबिर दिया कॉल यहाँ पे से, ये जो ऊपर का देख लो यहाँ पे मैं ऑलरेडी दिया, चेक कर लेना टेलीग्राम आके आज ठीक है क्या है नहीं है। तो पहला पहला मैंने यहाँ पे दिए दिया डाउन साइड का लेवल नहीं दिया मैं, ये अप साइड का ही दिया था मैंने, ये तो पहला लेवल दे दिया था
ठीक है। उसके बाद मैंने हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी बता दिया यहाँ पे 38,000 अगर ब्रेक करेगा तो, ठीक है। फिर बाद में टाइमिंग देखो, यहाँ पे टाइमिंग है 9 बज के दिया था, ठीक है। 9 बज के लेवल ये कितना देखो, 12 बज के 9:57 का भी 10 बजे ही सोचो, 10 बजे के बाद फिर बोइंग। अभी उसको बाद मैंने यहाँ पे कितना बजे 12:15 यहाँ पे ये दिया मैंने चार्ट, ठीक है। ये ब्रेकआउट करेगा तब, ठीक है, तो दिया। उसको बाद ये 12:15 में ये मेरा एंट्री हो चुका है। तो मैं पहला बार यहाँ से बुक किया, 2 टाइम एंट्री लिया मैंने। फिर ये देखो, यहाँ से मैं क्या बोला, यहाँ से बोला मैं बुक योर प्रॉफिट, राइट। तो उसको बाद मैंने फिर पहला बार बुक कर लिया प्रॉफिट, सेकेंड बार फिर से एंट्री लिया। देखो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन तो मेरे को याद होगा 37,000। तो चेकिंग टाइम ये भी पुट साइड का देख लिया मैंने एक बार, जो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये 2 बार एंट्री हुआ, कभी एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये हुआ टेलीग्राम चैनल, ये 12:26 में ये दिया, और ये बस 2:01 में पोजीशन, ठीक है, स्क्वायर अप किया है। ये गया टेलीग्राम फिलहाल का, अभी मार्केट डाउन साइड आएगा, बुक कर लिया जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो कैंडल कहीं ना कहीं पीछे जाओ, कितना भी दूर जाओ, नेट चले गए क्या भाई, चलो नेट का इशू दे रहा है अभी, चलो छोड़ दो, ये भी छोड़ो, यहाँ पे भी उस सलाह शेयर लिया था एक आप, चलो प्रॉफिट कुछ दे रहा है, ये छोटा मोटा कैश पड़ा था इस फायर में, दे रहा है प्रॉफिट 14,000 करेंट फायर, चलो कोई बात नहीं, ये तो फायर चल गया। क्या हालत है, और डिलीवरी लेवल, ये देखो 15 मिनट का लेवल दिया था, ये कहाँ से लगे यार, हॉरिजॉन्टल लाइन सेव नहीं किया मैंने, ये 5 मिनट में लेवल किया था मैंने, ये देखो कहीं ना कहीं यही लेवल दिया था पर आप लोग को, ठीक है, यही लेवल दिया था मैंने। ये यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब शेर खान में ज़बरदस्त है, शेर खान का चैटिंग प्लेटफॉर्म जेड टाइगर और मोबाइल का सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है, शेर खान का वेब उतना अच्छा नहीं है, ये जेड टाइगर अच्छा है और मोबाइल ऐप्स भी अच्छा है शेर खान। और SBI का क्या हालत है, शेर खान SBI के आप सिक्योरिटी में थोड़ा बड़ा होल्डिंग है, अभी 0 दाम में काइट में कुछ तो शेयर पड़ा होगा मेरे ख्याल से, देखता हूँ क्या हलचल है। मार्केट बंद हो गया क्या, इसका प्रॉफिट कितना उधर है, 2,000 उधर है, 3,000, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ का प्रॉफिट 3,000 दे रहा है, मेरे पास तो अकाउंट का कमी नहीं है, MCX का क्या हालत है भाई, MCX का क्या हालत है,
MCX का तो आज मैंने ट्रेड नहीं लेंगे, मेरा मूड अच्छा नहीं है। ये ट्रेडिंग में चार्ट क्यों देखता है? इसमें मेरा कुछ और इधर भी देखो कल थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।